हेलो हाय नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और मैं सिंगर आदित्य बाबू आप सभी का छोटा भाई। और मेरा ये पहला ब्लॉग है जो मेरे छोटा भाई सिंगर आयुष बाबू का नाम से खुला है। तो ये आप लोग मेरा ब्लॉग जरूर देखिए। और देखिए रात का समय है और देखिए बीच बीच में रात का कितना उजाला रहता है। हम सोचे तो हमको आइडिया आया कि मेरा जो हम मेरा वीडियो देखते हैं उनको भी थोड़ा सा बीच बीच का नज़ारा दिखा दे। चलिए देखिए ये सबसे बीच बीच राम किला का नज़ारा आप सभी को देखने को मिलेगा। तो उससे पहले शायरी तो बनता है कि सजाए सपने सारे एक पल में चूर कर दिया, कि सजाए सपने सारे एक पल में चूर कर दिया, चार दिन करीब रखे दोस्तों से दूर कर दिया, कि सजाए सपने सारे एक पल में चूर कर दिया, चार दिन गरीब रह के दोस्तों से दूर कर दिया, कि आई थी एक लड़की जिंदगी में सिगरेट छुड़ाने, कि आई थी एक लड़की जिंदगी में सिगरेट छुड़ाने, जाते जाते कम वक्त शराब पीने पर मजबूर कर दिया। कुछ चलते हैं अब बीट बियास मंदिर रोड का नजारा देखने के लिए। उससे पहले आप सभी तैयार हैं? चलिए अब आप सभी को रावर किला बेद व्यास का मंदिर रोड चौक से हम लोग हनुमान मंदिर तक भगवान जी का मंदिर तक पहुंचेंगे। आप सभी को इसका बेद व्यास का नज़ारा दिखाएंगे। पहले का बेद व्यास में अब का बेद व्यास बहुत अंतर है ना, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ना। चलिए अब हम लोग बेद व्यास का सैर करेंगे। था कि मैं आप सभी को बेद व्यास घुमाऊंगा। देखिए बेद व्यास का नजारा, देखिए ये सब ना दिन रात दिन में नहीं दिखता है, पर हमको लगा कि रात में आप सभी को दिखा दे। देखिए बस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए हाय तो आगे का नजारा आप सभी को दिखाते हैं हम। तो देखिए आगे का नजारा, देखिए ये सब है जो दिन में अच्छा नहीं लगता पर रात में पूरा लगता है कि लग रहा है कि ताजमहल है। पूरा ताजमहल में जैसे नहीं लगता है, पूरा लाइट चमका रहा है तो वैसे पूरा लग रहा है। देखिए तो चलते हैं पीछे वाला कैमरा से आगे का नजारा देखने। तब तैयार हैं आप सभी? चलिए देखिए कितना रोड सुंदर है। और ना सुबह सुबह और रात में भी जॉगिंग कर सकते हैं। ये अगर आप थक गए हैं तो आपसे प्लीज़ आपको ये जगह अच्छा लग रहा तो यहाँ प्लीज़ एक बार तो घूमने आइएगा जरूर। देखिए यहाँ दौड़ भी सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मस्त पूरा जगह है, इसीलिए इसका नाम रखा गया मंदिर रोड। देखिए दिखाने के लिए एक शायरी तो बनता है। तो देखिए इससे हम अच्छा वाला शायरी सुनाते हैं आप सभी को कि तोके भूख लगी तो हम खाना बना दे हम, कि तोके भूख लगी तो हम खाना बना दे हम, तो मंगुहार तुम फूल के माला ला दे हम, कि तोके भूख लगी तो हम खाना बना दे हम, तो मंगुहार तुम फूल के माला ला दे हम। और मोबाइल मत मांगे एक और जा, कि मोबाइल मत मांगे हो ये करे जा, चलिए रिकम्बा कह के बहाने बना दे हो। तो जैसे कि आपने बेद व्यास पूरे देख लिए, देखिए बेद व्यास, देखिए जो आप ये दुकान देख रहे हैं
रुक जाइए, देखिए आप ये जो दुकान देख रहे हैं यहाँ से मैं सामान लाता हूँ। देखिए यहाँ से मैं सामान लाता हूँ, इनका सामान सबसे अच्छा रहता है, तो आप जरूर देखिए यहाँ से लाइएगा ना। तो देखिए ये मेरे पहले ब्लॉग है, तो ये मेरे ब्लॉग का चैनल का नाम है, क्या बताएं, तो मेरे ब्लॉग का चैनल का नाम, मेरे गाने तो छूटे साथ में भी देखते हैं सिंगर आदित्य बाबू मेरा नाम से, पर मेरा जो ये ब्लॉग है वो सिंगर आयुष बाबू का सर्च मारने से आएगा। अपना स्पेलिंग बता दो अपना नाम का, देखिए हम बताते हैं, इसको नहीं आता है अभी ए बी सी डी पर। तो देखिए एस आई एन जी ई आर सिंगर, ए वाई यू एस एच आयुष बी ए बी वाई बाबू सिंगर आयुष बाबू, सर्च मारने से इसका गाना आ सकता है, आप इसका गाना जरूर सुनिए। और कैसा आप सभी को लगा वो कमेंट में जरूर बताइए, बताइएगा। आज का नज़ारा बहुत अच्छा है ना, अभी तक सब कुछ। आज का ये ब्लॉग हम लोग यहीं खत्म करते हैं, अगर आप लोग का हम लोग का ब्लॉग अच्छा लगे तो आयुष बाबू यूट्यूब में मार कर हम लोग का ब्लॉग देख सकते हैं, और छोटे लोग को जरूर दिखाइएगा, और बड़े लोग तो हम लोग का मालिक है सर है, उनको जरूर दिखाइएगा। तो हम लोग का ये ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, आज के लिए इतना ही, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये मेरे छोटा भाई है। तो आज का हम लोग का ब्लॉग है जो इसका चैनल अब है, ये पहले मेरे साथ गाता था, अब ये घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो पापा भी जिद करने लगा कि हमको भी एक चैनल खोलो, जैसे भैया का खोला उसे खोल दो, पापा खोल दिए, तो अब ये हम लोग का ब्लॉग इसका चैनल में जाएगा। तो अगर आए तो बताओ तेरे चैनल का क्या नाम है। सिंगर आयुष बाबू। सिंगर आयुष बाबू, और मेरा चैनल का नाम है सिंगर आदित्य बाबू। तो आप सभी हम लोग का ब्लॉग जरूर देखिए, अपना प्यार दुलार देते रहिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हम लोग का ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगले ब्लॉग में आप सभी को कुछ अलग सा सुंदर सा आप सभी को दिखाने के लिए मिलेगा। बाय बाय।